नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं, तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। योगिनी एकादशी 2020। आज 17 जून को योगिनी एकादशी है। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 17 जून यानी आज मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पाठ पूजा करने वाला और विशेष उपाय करने वाला पुण्य प्रताप से बहुत कुछ पा जाता है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, धन दौलत मिल जाती है, जीवन साथी पति पत्नी का सुख मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है, बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं और आज का दिन बहुत विशेष माना जाता है, इसलिए योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग उपवास भी करते हैं, परंतु यदि आप उपवास ना भी करें और जो मैं उपाय टोटका बताने वाला हूँ उसे कर ले तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा देखें और जैसा कहा जा रहा है वह कीजिए, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, यानी बहुत कुछ पा सकते हैं। आज आपने क्या करना है, पांच कॉइन कोई भी ले लीजिए, 5 कॉइन, और उन्हें अपने पूजा रूम में दूध और पानी मिक्स करके उसमें धोकर फिर सिंपल पानी में किसी कटोरी में अपने पूजा रूम में रख दें और वहीं पड़ा रहने दें। 5 कॉइन ले लीजिए, उनको कच्ची लस्सी दूध और पानी का मिश्रण कच्ची लस्सी में धोकर शुद्ध पानी में किसी कटोरी में पूजा रूम में रख दें और वहीं पड़ा रहने दें। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा यदि सही ढंग से इस उपाय को करना है तो। फिर उस जो कटोरी है परमात्मा के श्री चरणों में पड़ी रहेगी और 18 तारीख को किसी भी समय वह कटोरी आप वहां से उठाएंगे, उठाकर परमात्मा के श्री चरणों से लगाकर वह 5 सिक्के जो हैं उनमें से 3 सिक्के आप दान कर देंगे, कोई भी 3 सिक्के दान कर देंगे और 2 सिक्के आप अपने लॉकर में रख लेंगे। याद रहे कि यदि आपने एक ही तरह सिक्के रखे हैं तो ठीक है, यदि आपने अलग अलग कोई 5 का, कोई 2 का, कोई 1 का रखा है तो जो बड़े सिक्के हैं वह दान कर दें और छोटे अपने पास रख लें, वैसे एक ही तरह के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज आप फल का दान कीजिए, जितना दान कर सकते हैं कीजिए, धन का दान कीजिए, कपड़ों का दान कीजिए, इससे बहुत लाभ मिलता है, परमात्मा आपके करीब आते हैं और आपको विशेष वाइब्रेशन मिलती है। ग्रहण से पहले की ये योगिनी एकादशी आपके सभी पाप कर्म समाप्त कर सकती है, आपको सुख दे सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे उपाय आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि हमने शुरू किया हुआ है ग्रहण, 21 जून को ग्रहण है, उसके 8 दिन के उपाय शुरू किए हुए हैं। आप सभी वीडियो देखकर पिछले सभी उपाय एक दिन में कर सकते हैं और बाकी आगे कर सकते हैं। ये जरूर करना चाहिए क्योंकि ये जो ग्रहण है बहुत बड़ा ग्रहण। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा, यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी।
जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।